नेशनल हेराल्ड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए गए पार्टी नेता राहुल गांधी के समर्थन में कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की योजना बनाते हुए लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान ईडी कार्यालय जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं के विरोध पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस वैन पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये भाजपा सरकार की विपक्ष को डराने की नाकाम कोशिश है। हमारे नेता राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होने के लिए भाजपा सरकार के तानाशाही भरे निर्णय का हम विरोध करते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय ईडी दफ्तर के सामने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश चौहान, उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, संयोजक अंशु अवस्थी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी उनके कैंट स्थित आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हाउस अरेस्ट हैं।